इस साल फिल्म पठान के जरिए दमदार अंदाज में कमबैक करने वाले अभिनेता शाहरुख खान अब अपनी अगली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने जो धमाका किया है उसके बाद से ही हर कोई उनकी अगली फिल्म के लिए सुपर एक्साइटेड हो गया है। अभिनेता शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान है जिसमे नयनतारा और विजय सेतुपति प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे। एटली निर्देशित फिल्म जवान 2 जून को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये टल गई है और ऐसी उम्मीद है कि फिल्म की टक्कर अब रणबीर कपूर के स्टारर एनिमल से हो सकती है। बता दें कि जवान में दीपिका पादुकोण और संजय दत्त का कैमियो भी हो सकता है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि रेड चिलीज के साथ ही अन्य ग्लोबल कंपनीज भी इस पर काम कर रही है और जल्द ही नई रिलीज डेट का ऐलान होगा। फिल्म 29 जून को रिलीज हो सकती है या फिर अगस्त के किसी भी हफ्ते में। हालांकि मेकर्स फिल्म को 11 अगस्त या फिर 15 अगस्त पर रिलीज करना बेहतर समझ रहे हैं। टीम पूरी तरह से कैलकुलेशन के बाद ही कोई रिलीज डेट का ऐलान करना चाहती है। टीम चाहती है कि फिल्म को लेकर किसी भी तरह का समझौता ना हो और दर्शकों को बेस्ट चीज मिले। उम्मीद है कि मई में VFX का पूरा काम हो जाएगा। वेल दोस्तों, आप फिल्म जवान से जुड़े इस खबर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।